अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे दांत दर्द के बारे में, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम इसके कारण के बारे में जानेंगे कि ये किन कारणों से होती है, फिर हम इसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम इसके कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम घर पर रहकर इसको ट्रीट कर सकते हैं और अपने इस दर्द से किस तरह राहत पा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ हम आपको यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत दर्द के काफ़ी कारण होते हैं। जैसे अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो आपको ये दर्द हो सकता है। अगर आपके दांत के बीच में गैप है, जिसको कोचर बोलते हैं, अगर वो है तो भी आपको दांत दर्द हो सकता है। सेंसिटिविटी कैविटी की प्रॉब्लम से भी आपको दांत दर्द हो सकता है। इसके काफ़ी रीज़न होते हैं। काफ़ी बार हम लोग जो खाना खाते हैं, अच्छे से ब्रश ना होने के कारण खाना जम जाता है, वो काफ़ी समय बाद वो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से मुँह से गंध आती है, तो उस सिचुएशन में भी हमको ये दर्द हो जाता है। तो इसके काफ़ी रीजन्स हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी मेडिसिंस के बारे में। जो मैं मेडिसिंस बता रहा हूँ वो एडल्ट ग्रुप के लिए है, यानी बड़े लोगों के लिए है। 15 साल से बड़े ही लोग इसको लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होती है। तो मेडिसिंस, पहली मेडिसिन है ऑक्सालजिन डीपी टैबलेट। फ़ोटो आपको स्क्रीन पर मैंशन हो रहा है। काफ़ी डॉक्टर दांत और दाढ़ दर्द में इसको रिकमेंड करते हैं। काफ़ी अच्छी ये टैबलेट है। हर केमिस्ट पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आप इसकी 6 टैबलेट परचेज कर लीजिए। जाइडस कैडिला कंपनी का ये प्रोडक्ट है। दाम याद रखिए, इससे मिलते जुलते काफ़ी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ऑक्सालजिन डीप ही नाम से ही आप इस टैबलेट को लें। साथ में रिफ्टैक्लिन 500 mg का एक कैप्सूल ले लें। 6 कैप्सूल आप उसको परचेज कर लें। ये भी अच्छी कंपनी है, अबॉट कंपनी का है। 6 कैप्सूल आप ये परचेज कर लीजिए। साथ में बैटनी सॉल्ट टैबलेट, आप जानते ही होंगे, बहुत सस्ती और बहुत अच्छी ये मेडिसिंस हैं। हर केमिस्ट पे आपको ये आसानी से मिलेगी। GSK कंपनी का ये प्रोडक्ट होता है। 6 टैबलेट आप परचेज ये भी कर लीजिए। ऑक्सालजिन डीपी 6 टैबलेट, रिफ्टैक्लिन 506 टैबलेट, बैटनी सॉल्ट टैबलेट 6। आप इन टैबलेटों को परचेज करने के बाद सुबह शाम खाना खाने के बाद 3 दिन तक खाइए, आपको दांत और दांत दर्द से पूरी राहत मिलेगी। अब चलिए हम बात करते हैं इसके घरेलू नुस्खे के बारे में। सबसे पहले हमको करना क्या है, एक गिलास में गुनगुना पानी लेना है। ध्यान रखें ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना पानी ले लें। उसमें हम सेंधा नमक 1/4 चम्मच डाल दें, जो हम व्रत में यूज करते हैं वो वाला नमक। आधा 1/4 चम्मच हम वो नमक अपने एक गिलास पानी में मिला लें। उसके साथ मार्केट से आप डेली वाली फिटकरी ले लीजिए। फ़ोटो आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, आप ये वाली फिटकरी ले लीजिए। 1/4 चम्मच इसको पीसने के बाद आप वो भी अपने पानी मिला लीजिए। उस पानी से आपको कुल्ला करना है। आप एक बार मुंह में जो पानी लें उसको 30 मिनट तक मुंह में रखें, उसके बाद उसको कुल्ला कर दें। आपको इस तरह डेली एक गिलास पानी से कुल्ला करना है। आप 5 दिन तक करेंगे, 5 दिन में आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आपके मुंह से आ रही गंध भी ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी मुंह की सफाई भी हो जाएगी, दांत साफ दिखेंगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मेरे बताए हुए ये तीनों टिप आप यूज करिए, आपको दांत और दांत दर्द की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बाद में आप ध्यान रखें कि सोते समय हम लोग ब्रश जरूर करें, क्योंकि काफ़ी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं शाम को, और उसके बाद हम लोग अच्छे से कुल्ला नहीं करते, जिससे काफ़ी खाना दांतों के बीच में जमा रह जाता है, और उसकी वजह से भी हमको दांत दर्द और दांत दर्द जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, हम लोगों को सोते समय ब्रश जरूर करना है, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपको कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।